अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रियाल रेट में फिर इजाफा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद रियाल का ट्रांसफर रेट और भी बढ़ गया है। आज 20 मार्च 2023 और पीर का दिन है। रेट बढ़ने के बाद आज सऊदी रियाल का नया रेट क्या होगा, यानी सऊदी अरब के मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ ममालिक के लिए आज एक रियाल का क्या रेट देगा, ये तफसील हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज हम शुरुआत अलराजी बैंक से करेंगे। तो अलराजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.54 रुपये का, इंडिया के लिए 21.72 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.12 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.98 रुपये। अगर बात हो जाए वेस्टर्न यूनियन का, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.47 रुपये का, इंडिया के लिए 21.64 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.21 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.99 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एनसीबी क्विक पे के बारे में। तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.05 रुपये का, इंडिया के लिए 21.40 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.03 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.50 रुपये। अगर हम बात करें एसटीसी पे के बारे में, तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.10 रुपये का, इंडिया के लिए 21.56 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.08 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.90 रुपये। इसके अलावा बारी आती है इंजाज बैंक का। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.27 रुपये का, इंडिया के लिए 21.68 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.24 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूरोपे ऐप के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो यूरोपे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.35 रुपये का, इंडिया के लिए 21.60 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.10 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.88 रुपये। अगर बात हो जाए एएनबी टेलीमनी का, तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.10 रुपये का, इंडिया के लिए 21.67 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.23 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.82 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.20 रुपये का, इंडिया के लिए 21.69 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.04 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये। अगर हम बात करें एक्सप्रेस मनी के बारे में, तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.02 रुपये का, इंडिया के लिए 21.62 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.03 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.81 रुपये। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.25 रुपये का, इंडिया के लिए 21.38 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.02 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मनीग्राम के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.21 रुपये का, इंडिया के लिए 21.67 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.23 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.81 रुपये। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.80 रुपये।